मातृशक्ति और छोटे बच्चों, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की भारी शुभकामनाएं। पहले मैं बच्चों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। जितने भी लोग आए यहाँ पर, सब अपनी बातें रख के चले गए, बट किसी ने बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर शायद ही बोला। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज आप करना चाहते हो तो अपने अंदर दृढ़ इच्छा रखो और ईमानदारी रखो। आपको कोई भी चीज हरा नहीं सकती किसी। अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे करना है तो कुछ करना है। और दूसरा, मैं कोई पॉलिटिकल कोई नेता तो हूं नहीं, बट मैं कॉलोनी की समस्याओं को लेकर, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों के एडमिशन में, आप प्रशासन में, कई चीजों में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लोग तो नेता या बोल के चले जाते हैं कि हम तो ये करते हैं वो करते हैं, बट उन्होंने कभी, जो लोग रहते ही ऐसी जगहों पे हैं, जो रहते ही ऐसी कोठियों में, वो हमारे को क्या समझेंगे। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि मैं आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ और सभी लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं बस इतना ही तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, हम बदलते हैं तो सारे निजाम बदलते हैं, सारे अंजाम, सारे मंजर बदलते हैं। कौन कहता है भगत सिंह शिवाजी पैदा नहीं होते, पैदा होते हैं, बस नाम बदलते हैं। और मैं तो उस उत्तराखंड से हूँ जहाँ सबसे ज्यादा लोग शहीद होते हैं, सबसे ज्यादा फौजी शहीद होते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और आपका आशीर्वाद लेकर धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोर